तिरंगा झंडा में अशोक चक्र की जगह चांतरा लगाकर फहराने पर पुलिस ने किया कार्रवाई। बिहार के सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र मिलाद उल नबी के जुलूस में तिरंगा झंडा में अशोक चक्र की जगह चांतरा लगाकर फहराने के मामले में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन समेत गठित झंडे को जब्त कर लिया गया है और दो युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। लोगों को शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पदाधिकारी ने अपील किए हैं। कोबा थाना क्षेत्र में आज सुबह मिलाद-उन-नबी के जुलूस में ये बात आई कि तिरंगे झंडे के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसको जुलूस में घुमाया जा रहा है। इस संदर्भ में फोटो और वीडियो प्राप्त कर करके शिनाख्त की गई और इसमें पाया गया कि तिरंगे झंडे में अशोक चक्र के जगह पर उसमें चांद तारे का निशान प्रयोग कर करके लहराया जा रहा था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दो युवकों को जो झंडा लहरा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है और जो कथित रूप से झंडे का बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसको भी जब्त कर लिया गया है। इसमें शामिल एक और अन्य व्यक्ति की बात आ रही है जिसने उन दोनों को झंडा दिया था, उसकी तलाश जारी है और हम लोग उस पर भी जल्दी से जल्द कार्रवाई कर लेंगे। क्या कारण क्या था इस तरह का झंडा लहराने का, पूछताछ में बात सामने आई है क्या? दोनों युवकों से अब तक पूछताछ में बात यही सामने आई है कि किसी तीसरे युवक ने उन्हें दिया था। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती इनकी मंशा सामने नहीं आ रही है, बट फिर भी राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ करना संगीन अपराध है जिसपे हम लोग कठोरतम धाराओं में FIR करके कार्रवाई करेंगे। क्या जुलूस का लाइसेंस सब लिया गया था? इसकी वहां पे पता किया जा रहा है कौन कौन से जुलूस में लाइसेंस में शामिल थे, उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। उनके रहते किस तरह की ये घटना किस तरह हुई है उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया? देखिए अभी तक तो BNS में 153 धारा है जो कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ जो है इसमें छेड़छाड़ की बात आई है, और झंडा अधिनियम जो 1971 और 2002 का है जिसमें पनिशेबल ऑफेंसेस सेक्शन 2 के अंतर्गत 3 साल की कड़ी सजा का उसमें प्रावधान है, तो इन सब धाराओं को चिन्हित किया गया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी।